इस खबर के प्रायोजक हैं लॉजिक्स ग्रुप, रेडी टू मूव इन होम्स एट नोएडा एक्सप्रेसवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। आपने आज तक कई शादियों में जमकर मौज मस्ती की होगी। शादी जैसे खुशी के माहौल में अगर कहीं पुलिस नजर आ जाए तो समझो मामला गड़बड़ है। लेकिन क्या आपने ऐसी अनोखी शादी के बारे में सुना है जिसमें बैंड बाजे के साथ नाचते गाते लोग सूट बूट में नहीं बल्कि खाकी वर्दी में दिखाई दे और थाने के अंदर शादी का मंडप सजा हो? जी हाँ, कुछ ऐसी ही अजब गजब शादी कन्नौज में संपन्न हुई। बैंड बाजा और बारात, लेकिन बाराती खाकी वर्दी में। जी हाँ, यही नजारा है कन्नौज के एक पुलिस स्टेशन की, जहाँ पूरी शादी थाने में संपन्न हुई। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन 16 आने सच है। मामला कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाने क्षेत्र का है। यहाँ नई बस्ती के अनूप की शादी थी। कन्या पक्ष के लोग कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने क्षेत्र के असालतगंज से आए थे। दुल्हन बनी प्रियंका भी अपने दुल्हे का इंतजार कर रही थी। सभी काम पूरी रीति रिवाज और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे थे, तभी बच्चों में किसी बात को विवाद हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नौबत हाथापाई पर आ जाती है। दूल्हा पक्ष के किसी ने दुल्हन की बुआ के साथ हाथापाई कर दी। इस बात पर खूब हंगामा हुआ और वधू पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी की हामी भरने के लिए पंचायत तक को बुलवाना पड़ा, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकल सका, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की। आखिरी में पुलिस की एक तकरीब काम आई। छिबरमऊ थाना प्रभारी दुल्हा दुल्हन को अपने साथ थाने में लाए और वहीं शादी का पूरा इंतजाम कराया गया। इसमें थाना छिबरा में शादी हो रही है, पुलिस के सहयोग, पब्लिक के सहयोग और मीडिया के सहयोग से शादी हो रही है। कल प्रियंका और अनूप की कल की शादी थी। कुछ बच्चों के विवाद को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ, उस कारण से कल शादी नहीं हो सकी। सुबह से थाने में मामला आया और निम्न उठ पाया और सबके सहयोग से मामला निपट गया। फिर दोनों हंसी खुशी से दोनों की शादी कराई गई और शादी थाने में ही कराई गई। रमेश गौतम, न्यूज फर्स्ट, कन्नौज। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट।